नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान वैसे तो राजनीतिक मामलों से खुद को बेहद दूर रखते हैं, लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान ने रविवार को कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार किया है। कार्तिकेय सिंह चौहान ने एक बेहद ही भावनात्मक और द्रवित कर देने वाला ट्वीट किया है और ये ट्वीट कांग्रेस के उस ट्वीट का पलटवार है जिसमें कांग्रेस ने कमलनाथ की 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की योजना को आगे रखते हुए शिवराज सिंह चौहान उनकी पत्नी साधना सिंह पर कटाक्ष किया था। यह राजनीतिक कटाक्ष था, लेकिन बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को यह पसंद नहीं आया। कार्तिकेय सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस का जवाब दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ रोज पहले एक फोटो ट्वीट की थी। इस फोटो में दिख रहा है कि उनकी पत्नी साधना सिंह चूल्हे पे खाना बना रही है, पास ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठे हैं। आपको बताएं कि ये तस्वीर कब की है। ये तस्वीर उस समय की है जब शिवराज सिंह चौहान शादी की सालगिरह के मौके पर ओंकारेश्वर में थे। वहां पर सैलानी आइलैंड पे वो रुके थे और रात के समय वहां पर उनकी पत्नी साधना सिंह ने चूल्हे पे खाना बना करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खिलाया था। ये फोटो तब ट्वीट की थी शिवराज सिंह चौहान ने। इसी फोटो को ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि जल्द ही साधना सिंह को यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को इस धुएं से आज़ादी मिलेगी, क्योंकि कमलनाथ 500 रुपये में सिलेंडर जो है गैस सिलेंडर वो देने का वादा कर चुके हैं और कांग्रेस की सरकार बनते ही मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिला करेगा। अब ये कटाक्ष हुआ तो एक दिन बाद यानी रविवार को कार्तिकेय सिंह चौहान ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी माँ 32 साल से पिताजी के पीछे उनकी ताकत बनकर खड़ी है, सुख और दुख में उनका संबल बनी, लेकिन कांग्रेस रिश्तों की पवित्रता और प्रेम को नहीं समझती। वो हर बात में राजनीति देखती है, आखिर करे भी क्यों ना। चरित्र शब्द की समझ कांग्रेस के नेताओं को कम है। जनता की सेवा पिताजी के लिए पहला कर्तव्य है, परिवार के लिए उन्हें कम समय मिलता है, ऐसे कुछ पल को वो कभी कभी साझा करते हैं, लेकिन कितनी गिरी है कांग्रेस की सोच कि राजनीतिक फायदे के लिए उसे भी निशाना बना रही है। बजरंगबली मेरे माता पिता के इन खूबसूरत पलों को बुरी नजर से बचाए। कार्तिकेय सिंह चौहान वैसे तो राजनीतिक से काफी दूर रहते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों में वो बेहद देखे जाते हैं। खासतौर से अगर देखा जाए तो सामाजिक कार्यों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अच्छे वक्ता भी हैं कार्तिकेय सिंह चौहान और उनके ट्वीट से ये दिखता भी है कि उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार तो किया, लेकिन पलटवार करते समय शब्दों और भाषा की जो मर्यादा है उसका खासा ध्यान भी रखा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है। जाहिर सी बात है, बयान हो या सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर हमला हो, वार पलटवार दोनों ही तरफ से जमकर होंगे और कार्तिकेय सिंह चौहान का ये ट्वीट उसकी बस एक झलक मात्र है।